नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। झांसी में बेतवा पुल के पास लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लग गई। इस दौरान तीसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। सभी बदमाशों ने शनिवार को बेऊसागर थाना क्षेत्र में पिकअप को लूटा था। लूट की घटना के बाद पुलिस और ओजी टीम लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। बदमाश लूट की पिकअप बेचने मध्य प्रदेश की तरफ जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी कर बदमाशों को ललकारा, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आत्म सुरक्षा हेतु जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं बदमाश से लूट की पिकअप बरामद कर पूछताछ की जा रही है। लूट में शामिल तीसरे बदमाश की तलाश जारी है। कानपुर चिड़ियाघर में अब दर्शन के तहत पर्यटकों को कानपुर प्राणी उद्यान में जंगल सफारी का भी आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। कानपुर प्राणी उद्यान में बने जंगल सफारी को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। कानपुर दर्शन के तहत फर्स्ट ग्रुप सिटी टूर ने इसका लुत्फ उठाया। प्राकृतिक वातावरण से रूबरू होने और खुले में रहने वाले जानवरों के साथ बाहरी देशों से आने वाले पक्षियों को भी जंगल सफारी में पर्यटक और दर्शन देख सकेंगे। कानपुर शहर में ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी कर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कानपुर दर्शन पहली की शुरुआत पर्यटन विभाग द्वारा की गई है। इस कानपुर दर्शन में दर्शक एशिया के सबसे बड़े कानपुर चिड़ियाघर का भी आनंद ले सकेंगे। हम लोग आज कानपुर के सबसे बड़े प्राणी उद्यान में खड़े हुए हैं, जहाँ पर अनेकों प्रकार के जानवर, छोटे से लेकर बड़े तक सारे जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिर्फ कानपुर का ही नहीं, ये एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कानपुर प्राणी उद्यान है, जिसको हम लोग आज विजिट करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। कानपुर दर्शन एक विचार है, मेरे हिसाब से एक विचार है, एक यात्रा नहीं है। और ये विचार कभी ना ख़त्म होने वाला विचार है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, और ये इस कहानी से हम लोग इतिहास रचने को निकले हैं आज। तो आज हम लोग कानपुर जू में खड़े हुए हैं और इसके बाद हम लोग और भी जगह जाएंगे और भी कानपुर के बारे में जानेंगे। कहते हैं ना कि लोग घूमने तो जाते हैं, पर आज हम लोग कानपुर से मिलने आए हैं, तो कानपुर से मिलेंगे और इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया ने भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए अब कमर कस ली है, जिसके लिए यूपी स्टेट हेड संजीव मिश्रा को बनाया गया है। वहीं यूपी स्टेट सेक्रेटरी आकाश शर्मा को बनाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिलेश शुक्ला को बनाया गया है, जिससे कि संगठन की मजबूती और विस्तार को भी हो सके। इन्हीं सब बातों को लेकर कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शुक्ला ने बताया कि उनके संगठन ने आम जनमानस को त्रस्त कर रहे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए ठोस रणनीति बनाई है। इसी पर काम करते हेतु भ्रष्टाचार की जड़ों को मट्ठा डाला जाएगा, ताकि वह दोबारा पनप न पाए। उन्होंने बताया कि उनका संगठन भारत के नीति आयोग से पंजीकृत है। पिछले 13 साल से देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुकी है और लड़ती आ रही है। संगठन का यही प्रयास है कि कैसे आम जनमानस को समाज को कोड बन चुके भ्रष्टाचार से निजात मिले। और देश भर में कमेटी के करीब 63 लाख सक्रिय सदस्य एंटी करप्शन फ्री इंडिया मिशन को आगे बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर चोट कर रहे हैं। कानपुर में शिवाजी नगर के शिवाजी पार्क में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए आयोजक ने बताया कि कानपुर ब्राह्मण समाज एक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और गैर राजनीतिक संस्थान है, जिसका गठन 1995 में किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्य तथा राष्ट्र की रक्षा करना और समाज को संस्कार युक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष अपने वार्षिक सम्मेलन में सामूहिक योगोपवित संस्कार दहेज रहित विवाह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में इस साल 31 बटुकों को योगोपवित एवं 11 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है। इन्हीं सब बातों के उद्देश्य से 17 फरवरी को मंत्र पूजन मंडप रोपण मंगल गीत एवं विवाह अवसर पर गाए जाने वाली गीत प्रतियोगिता आयोजित होगी। तत्पश्चात 18 फरवरी को बरुआ भोज, यज्ञोपवीत संस्कार, भव्य शोभा यात्रा, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
आज हम जो कर रहे हैं वो 18 फरवरी को आगामी 2024 में 11 कन्याओं का विवाह और लगभग 51 बालकों का युगोपवीत कराने का लक्ष्य हमने रखा है। पिछले वर्ष 11 कन्याओं का हुआ, इसके पहले भी निरंतर कभी 16, कभी 17, कभी 13 कन्याओं का विवाह होता रहा है। ये शिवाजी नगर KMC के सामने रंगोली गेस्ट हाउस की ठीक 29 वर्ष हो गए हैं और ये 30वां आयोजन हमारा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में महिला और बच्चों को स्कॉर्पियो गाड़ी से टक्कर से मारने का दिल दिलाने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल महिला अपने बेटे और भतीजे के साथ खेत से वापस लौट रही थी। इस दौरान बाइक सवार को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने तीनों को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस घटनाक्रम का लाइव CCTV फुटेज सामने आया है। हादसे के बाद महिला और बच्चों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। इस मामले में अंकित मिश्रा CEO यातायात ने कहा है कि तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिविक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के फतेहपुर में कलेक्टरगंज स्थित एक लॉज में फतेहपुर कायस्थ पाठशाला चुनाव के बाबत बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भाग लिया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह की पत्नी विनीता सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री अनिल श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव एडवोकेट ने भाग लिया। बैठक का संचालन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान 25 दिसंबर को प्रयागराज की धरती में होने वाले कायस्थ पाठशाला के मतदान के बाबत चर्चा की गई और फतेहपुर से ज़्यादा मतदान की रणनीति बनाई गई। वहीं वक्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि कायस्थ पाठशाला से फतेहपुर के तमाम मतदाता जुड़े हैं और इस चुनाव के बाद फतेहपुर के निर्धन गरीब कायस्थों के बच्चों का चिन्हांकन कर छात्रवृत्ति दिलाने का काम किया जाएगा। कासगंज के सहावा रोड पर क्षेत्राधिकारी पटियाला दीप कुमार पंत का अमरोहा जनपद के लिए स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान क्षेत्र के समाज सेवी और सम्राट लोगों ने क्षेत्राधिकारी दीप कुमार पंत को फूलमाला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उन्हें नम आंखों से भावभीन विदाई दी गई। पटियाली CEO श्री DK पंत जी का अमरोहा ट्रांसफर हो गया है। आप पटियाली के CEO रहे थे, सावर के CEO रहे थे और कासगंज सिटी के CEO रहे थे, तो आज नागरिक विदाई समारोह का आयोजन कंजनवारा की जनता ने किया था और इस कार्यक्रम के दौरान जो CEO साहब ने यहाँ पर कार्य किए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है उसको याद किया गया और CEO साहब ने भी जो उनके अनुभव रहे हैं जनता के साथ, खासकर पटियाली में, सावर में और कासगंज में, उसको जनता के साथ शेयर किया। काफी लोग आए थे और काफी ग्राम प्रधान आए थे और काफी सम्मानित लोग यहाँ पर आए थे। प्रतापगढ़ में प्रेमी की खोज में दिन भर युवती भटकती रही। युवती का कहना है कि दोनों 15 साल से मुंबई में एक साथ रह रहे थे। युवक के मुंबई से गायब होने पर युवती प्रतापगढ़ पहुंची। युवती ने भगवा चौकी पुलिस से मामले की शिकायत की है। युवती ने आरोपी प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक लालगंज तहसील के रामपुर खास का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देशन में जिले में पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अंतु के निरीक्षक विनोद कुमार यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र अंतु के सिद्धनी पुल के पास दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, 5 जिंदा देशी बम और एक मोबाइल, एक आधार कार्ड सहित चोरी के आभूषण और 6,56,000 रुपये बरामद किए गए हैं। दिनांक 15 जुलाई 2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अंतु पर मुकदमा अपराध संख्या 270/23 IPC सेक्शन 457 व 380 में दर्ज किया गया। साथ ही 10 दिसंबर 2023 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अंतु पर ही मुकदमा अपराध संख्या 535/23 IPC सेक्शन 457 और 380 में दर्ज किया गया। उपरोक्त दोनों चोरी की घटनाओं के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। आज दिनांक 17/12/2023 को इस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर सिंगनी पुल थाना क्षेत्र अंतु से दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। बदायूं जिले के सहसवान थाने में गैंगस्टर के अभियुक्त ने गले में तख्ती लटकाकर आत्मसमर्पण किया है। तख्ती में लिखा हुआ था कि योगी बाबा मेरी रक्षा करें, अब कभी गोकशी नहीं करूंगा। आत्मसमर्पण का ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जो ये भी दर्शाता है कि योगी सरकार का अपराधियों में कितना ज्यादा भय है। दरअसल पूरा मामला सहसवान थाना क्षेत्र इलाके का है। यहाँ के ग्राम खैरपुर खैराती का रहने वाला मोहम्मद आलम गौकसी की में लिप्त था, जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगे हुए थे तथा काफी समय से पुलिस उसे तलाश कर रही थी। आज अचानक मोहम्मद आलम अपने गले में एक तख्ती लटकाकर सहसवान थाना पहुंच गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। गले में लटकी हुई तख्ती पर उसके नाम के साथ साथ ये भी लिखा हुआ था कि मैं गैंगस्टर के मामले में आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, अब कभी गोकशी नहीं करूँगा, योगी बाबा मेरी रक्षा करें। अपराधी का इस प्रकार थाने में खुद आकर आत्मसमर्पण करना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।